हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पहला का आई होप कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आ रही हूँ धार से हाथ मुँह धो के, सुबह सुबह, और धूप भी आ चुकी है, 7:30 हो रहे हैं। तो करते हैं ब्लॉग स्टार्ट, और मेरे ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो गाइस, सुबह सुबह ना वो गर्म पानी से मुँह धोना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं सीधे पन्हार आती हूँ, भारी पन्हार। जब नहाना होता है तो ठीक हुआ, नहीं तो हाथ मुँह धो नहीं पन्हार। आज तो गैलन भी नहीं लेके आई क्योंकि गैलन में पानी था। तो सुबह सुबह धूप आ चुकी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस, अभी बच चुके हैं दिन के 10:30। नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, धूप भी एकदम अच्छी आ रखी है। आज दिन भर अंदर की सफाई चल रही है। देखो, अम्मा के सारे कपड़े बिछाने वगैरह वाले, ओढ़ने वाले सब बाहर रखे हैं क्योंकि अंदर पर पूरा झाड़ू मारा था आज। अम्मा ने भी नहा दिया है अभी। तो गाइस, कपड़े मैंने धो दिए हैं। ये देखो, यहाँ पे चटाई वगैरह धो रखे हैं, 1, 2, 3, 4 चटाई धो रखे हैं, खोल वगैरह, अम्मा के कपड़े, तो सारे कपड़े धो दिए हैं। धूप तो एकदम फर्स्ट क्लास आई है, मौसम भी एकदम क्लीन हो रहा है। देखो, कहीं भी बादल का टुकड़ा नहीं है आज, तो मज़ा आ गया मौसम को देख के। कतई जहर धूप लग रही है आज। तो गाइस, भात हमने खा दिया है, खा भे भनले दयालन। पता नहीं, मेरा फ़ोन अभी ना हैंग हो गया था थोड़ी देर, पता नहीं क्या हुआ। अब अम्मा उठाने लग गया है चटाई, ये देखो सूख चुकी है। सुज्ञान अम्मा, सुज्ञान बल अम्मा। तो अब अम्मा उठा रही है। बूबू तो भात खा के चले गए हैं इधर, मंदिर का कुछ काम लग रखा है वहाँ पे, गंगनाथ बाबा के मंदिर के, वहाँ पे बनवा रहे हैं शायद, दीवार वगैरह बना रहे हैं। अच्छा, अम्मा ने सारी चटाई उठा दी है, चार सूख गया उन्हें। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं घूमने, थोड़ा सा इवनिंग वॉक पे माते के साथ, लक्ष्मी शर्मा जी के साथ। तो गाइस, धूप तो बार साइड पहुंच चुकी है, ठंडा भी होने लग गया शाम को काफ़ी, 4 बज चुके हैं अभी। गाइस देखो, शीला चाची ने एक पेड़ पूरा काट दिया है, दूसरे में चली गई है। हेलो हेलो तो कर दी मैं। हाँ, अद्दू बट में गई है, ऊपर को नहीं जा पा रही है, अदगा बट में गई है। टुक में तो ऊपर हुआ यार, जदीन टुक में जालू दिन। तो गाइस, देख सकते हो धूप पार साइड पहुंच चुकी है, वार साइड से पूरी चलेगी है। तो गाइस, शीला चाची ने काट दिया भिक्कू, ये देखो अभी आएगी ऊपर को। हम आ चुके हैं दानकोट से घूम के, अभी अब जुराब उराब आलन भी शायद। ठंडा हो रहा है गाइस, सीलू बोल रही है ठंडा हो रहा है। ये बोट कल काटो, सब तमले काटने खाली कह दिया। गाइस, सीलू आ चुकी है, एक हाथ में फोन, एक हाथ में क्यों को नकुआ, ये देखो गाइस, अब आ गए कुत्ते हैं का चकड़ा। देखो गाइस, राजेश भर के ला गया पानी। हम जा रहे हैं अभी झट्टो, अम्मा बोल रही है झट्टो, अभी हम गए नहीं है। तो गाइस, लक्ष्मी और मैं जा रहे हैं, चाची भी आ रही है शायद, पता नहीं, अभी तो नहीं पहुंची है। तो आज ना मैं ज्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई, दिन भर क्या ब्लॉग बनाऊं वही समझ नहीं आता है मुझे। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं रोड पे, कालू भी आ रहा है। कालू ना डेली आता है, इसको लगता है कहीं बंदर अंदर आए होंगे। तो मैं हम पहुंच चुके हैं धारे, तो अब मैं भरती हूँ पानी। गरम गरम पानी होता है हमारे धारे का, ठंडियों में गर्मियों में एकदम कूल कूल वाला होता है। फिर लक्ष्मी के लिए भरन वाला है। हम लोग ना बारी लगाए रखते हैं, कभी लक्ष्मी भरती है, कभी मैं, कभी राजेश। तो फिलहाल लक्ष्मी अभी कैमरे के पीछे है, वो दिख नहीं सकती है। धूप जाने के बाद ना काफ़ी ठंडा भी हो जाता है शाम के टाइम, सुबह भी धूप आने से पहले काफ़ी ठंडा हुआ रहता है। सुबह भी मैं धारे आई थी वैसे, तो चाची नहीं पहुँची अभी हमारी। तो गाइस, पानी तो हमने भर दिया है, तो काफ़ी शाम भी हो चुकी है अब।
तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को।